गोपनीयता के उल्लंघन को लेकर व्हाट्सएप की जांच करेगी सरकार। उपयोगकर्ता के माइक्रोफोन में ऐसे समय में व्हाट्सएप की पहुंच हुई जब उपयोगकर्ता सो रहा था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि सरकार स्मार्टफोन के उपयोग में नहीं रहते हुए उसका इस्तेमाल करने वालों के माइक्रोफोन तक सोशल मीडिया मंच व्हाट्सएप की पहुंच होने के दावे की जांच करेगी। मंत्री ने ट्विटर पर लिखा है कि भले ही नया डिजिटल व्यक्तिगत सूचना संरक्षण विधेयक तैयार किया जा रहा हो, सरकार निजी सूचना की गोपनीयता के कथित उल्लंघन की जांच करेगी। यह दावा किया गया है कि एक उपयोगकर्ता के माइक्रोफोन में ऐसे समय में व्हाट्सएप की पहुंच हुई जब उपयोगकर्ता सो रहा था। ट्विटर के इंजीनियर विभाग में निदेशक फोर्ड डाबिरी ने शनिवार को कहा था कि क्या चल रहा है, व्हाट्सएप बैकग्राउंड में माइक्रोफोन का उपयोग कर रहा है व्हाट्सएप। यह तब हो रहा था जब मैं सो रहा था और सुबह 6 बजे उठने पर पता चला। डाबिरी के ट्वीट का जवाब देते हुए चंद्रशेखर ने कहा, इस प्रकार का उल्लंघन कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा, यह गोपनीयता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा, हम तुरंत इसकी जांच करेंगे और निजी जानकारी की गोपनीयता के किसी भी उल्लंघन पर कार्रवाई करेंगे। डाबिरी का ट्वीट वायरल हो गया है, इसे 6.5 करोड़ से अधिक बार देखा गया है। उधर व्हाट्सएप ने कहा है कि यह समस्या के बारे में पोस्ट करने वाले ट्विटर इंजीनियर के साथ पिछले 24 घंटों से संपर्क में है। यह एंड्रॉयड पर एक वायरस है, व्हाट्सएप ने कहा। व्हाट्सएप ने एक ट्वीट में कहा कि हम मानते हैं कि यह एंड्रॉयड में एक वायरस है जो उनकी गोपनीयता डैशबोर्ड में जानकारी को गलत तरीके से उपलब्ध कराता है। इसको लेकर गूगल ने से जांच और इससे निपटने के लिए ज़रूरी सुचारू करने के लिए ज़रूरी सुधार करने के लिए कहा गया है। व्हाट्सएप पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मस्क ने कहा।